सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जूहू चौपाटी। हम उल्टी दिशा में चले गए हम आए 3 मिनट बचे थे और फाइनली हम ट्रेन के अंदर हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आए हो आप सब अच्छे होंगे, मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है अराउंड 7 और कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना जूहू बीच जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब परसों गए थे तो अंधेरा हो गया था, ना आपको कुछ दिखा पाए थे ना हमने ही कुछ अच्छे से देखा था। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, बट सोचा था कि ना आराम से मॉर्निंग पे जाएंगे और सनराइज होते हुए भी देखेंगे और ज़्यादा गर्म भी रहेगा मॉर्निंग टाइम पे। पर कोई उठा ही नहीं है शायद से, मैं भी अभी 6:30 बजे के आसपास ही उठी हूँ। वो भी मुझे आरव का कॉल आया कि तुम लोग चले गए क्या। रोहित का ना कॉल आया है, ना मैसेज कर रहा है वो, उसका नेट ऑफ आ रहा है, ना कॉल किया है, सो पता नहीं। मेरे ख्याल से तो वो भी अभी तक उठा नहीं है जहाँ तक लग रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं या ऐसे रूम पे पड़े रहते हैं, क्योंकि शाम की हमारी 4 बजे की ट्रेन है, 4:30 के आसपास की ट्रेन है। सो यहाँ से निकल जाएंगे हम वापस दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए। आज का व्लॉग देखते हैं कैसा रहता है, आज का दिन कैसे जाता है। खैर अभी भी मैं थकी पड़ी हूँ, मेरी आँखें भी खुल रही हैं, देख रहे हो आँखें बंद ही रह रही हैं, बड़ी मुश्किल से खुल रही हैं ये आँखें। बड़ी मुश्किल से हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो परसों हम लोग जो जहाँ गए थे ना वो साइड से जूहू बीच था ना, और आज हम लोग जा रहे हैं जूहू चौपाटी ना। मेरे तो नाम ही याद नहीं रह जा रहे हैं यार, मैं तो गजबज ही जा रही ना। फिलहाल अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी हम लोग ऑटो में हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यार। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, इसका तो मज़ा आ ही रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। A few moments later. सो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं जूहू चौपाटी। हाय राम, गर्म तो खैर बहुत हो रहा है लेकिन यहाँ आकर लग अच्छा चल रहा है, यू कैन सी। सो मुंबई आने का कम से कम इतना तो फायदा हुआ है कि हम लोग यहाँ आकर थोड़ा घूम रहे हैं। हमारी जो ट्रेन है वो नाइट की है, तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना हम लोग घूम कर ही जाएं। बहुत सही लग रहा है दोस्तों, उस दिन नाइट व्यू था ना तो इस वजह से आपको इतना क्लियर नहीं दिखा पाए थे, पर आज आप भी देखो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप वीडियो देख कर इंजॉय करिए। बहुत सही लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, कैन सी। वाह इतनी खुशी हो रही है, इतना खुश हो रहे हो, सही है, खुश होना ही चाहिए, कौन ना खुश हो। हम ना थोड़ा वहाँ पर तक जाते हैं, यहाँ पर हमने अपने शूज़ वगैरह रखे हैं। यार बहुत गर्म हो रहा है, हो तो रहा है गर्म, तुम्हें कैसे नहीं लग रहा गर्म? तो अभी आगे चलेंगे तो वहाँ पानी जहाँ तक आ रहा है वहाँ पर तो नहीं। सो हम चले, हम चले यहाँ पर, मुझे बहुत डर लगता है यार। रोहित की अलग ब्लॉगिंग चल रही है, अगर हम बह गए तो मेरी बात अच्छी नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज्यादा आरफ की इच्छाएं पूरी हो रही है यहाँ आकर। वाह फीलिंग गुड गुड गुड, एटलीस्ट पानी इतना गर्म नहीं लग रहा है, रेत तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही, बहुत ही ज्यादा गर्म। देखो कितनी भयंकर वेव आ रही है,
ये हैप्पीनेस देखो यार, ये इतना हैप्पी हो रहा है ये। सो दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर को आकर। अब पहाड़ियों को कहीं बाहर जाने का मौका मिले और ऊपर से ऐसे कोस्टल एरियाज पर, तो यू नो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा यहीं पर एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं, देन हम लोगों ने सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया है, तो उसके बाद कुछ खाते भी हैं। तो यहाँ का हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे, वड़ा पाव और जो सारी चीजें आपके साथ आगे शेयर करते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। बाकी सब अपनी जगह, सब कुछ मस्त है, लेकिन इसमें थोड़ा गंदगी है, इस वजह से अच्छे से भीग भी नहीं सकते हम लोग। ये देखो दिख रहा है आप लोगों को पूरा, मतलब पूरे ऑलमोस्ट पूरे साइड पे इतनी गंदगी तो है ही, और ये तब से ऐसी लगे हुए हैं। सो दोस्तों अब हम लोग बीच से जा रहे हैं, पर यहाँ की जो रेत है ना वो अभी भी पैर में चिपकी हुई है। और अभी हम खाते हैं कुछ, क्योंकि सवेरे से कुछ खाया वगैरह तो हमने है नहीं, तो फटाफट से यहाँ क्या क्या है वो देखते हैं, खाते हैं, फिर रूम के लिए वापस निकलते हैं, क्योंकि हमने स्टेशन रेलवे स्टेशन भी जाना है। अब पता नहीं कितना टाइम लगे क्या लगे, तो इस वजह से यहाँ से हम फटाफट ही जा रहे हैं। अगर हम टाइम से आए होते तो मे बी हम कहीं और घूम लेते, पर टाइम का इश्यू हो गया यार। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं, और पता है ये रेत निकल ही नहीं रही है, जितनी भी चिपकी हुई है, अब पता नहीं जब सूखेगी तभी ढंग से निकलेगी। फिलहाल अभी हम लोगों ने सवेरे से कुछ खाया वगैरह भी नहीं है, तो कुछ खाते हैं उसके बाद रूम के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं यहाँ से और घर को, रूम को, पहले कुछ खाएंगे। नहीं ऐसा है, हमें महिमा देगी हम दोनों को, क्योंकि हमने उसे समंदर दिखा दिया। हाँ। हम इसको पानी में फेंकने जा रहे थे, बट सम हाउ इसने अपने जो बैग है उसका हवाला देते हुए कि उसमें पैसा रखा हुआ है वो भीग जाएगा, क्योंकि हम भी तो थोड़ा बहुत हमने सोचा है पैसा भीग गया तो ट्रीट कौन कराएगा। अच्छा तो इसे बच गया, तो इसे हमने बचा लिया है ना, ये कराएंगे हम भी कराएंगे, महिमा कराएंगे अभी बोल दिया। अरे कौन अच्छा है, हाँ कोई अच्छा नहीं है, मना कर दिया यार। गरम। So, अभी हम आए हैं यहाँ जहाँ स्टॉल्स लगे हैं बीच पे ही खाने के, मतलब चाट वगैरह और सारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, यू कैन सी। क्या खा रहे हो, क्या मंगा रहे हो? खैर फैन की आवाज़ से कुछ सुनाई तो देने वाला है। चलो मेरे को ही बीच में घुसाना है मतलब। सो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं रूम के लिए। देखो कितनी सुरक्षा दे रहे हैं। मेरे बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है, मैं इसको क्या ही बताऊं। और गाइस हमें माई ने रीड कराई, उसके बाद कह रही है गूगल पे। मैंने नहीं कराई, मैंने पहले ही बोला था मैं कर रहा हूँ ये साफ सबूत के साथ। तो अभी हम लोग रूम पे आ गए हैं और सबने अपना अपना सारा सामान पैक कर लिया है, तो थोड़ा टाइम आपको रुकते हैं, हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो अराउंड 3 के आसपास हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, तब तक रेस्ट करते हैं। कैसा लगा आरव? बहुत मजा आरव तो यहाँ है, बहुत ज्यादा मजा आया। हर्षित, हर्षित अंदर है। मैं सबके नाम आज उल्टे पुल्टे क्यों ले रही हूँ? हो जाता है कभी। रोहित बताओ कैसा लगा आज? आज बहुत अच्छा लगा, और मैं वो वीडियो खंगा रहा हूँ जब मैं दरिया के पास जा रहा था और ये मुझे उसमें धक्का देने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी देना, ये मुझे भी देना, सेंड करूंगा, मुझे क्लिप सेंड कर देना है पहले। तो उसके बाद तो तुम लोगों ने असली में मुझे धक्का देने की कोशिश की थी ना, देखो तो दया आ गई ना।
अभी थोड़ी देर पे निकलते हैं यहाँ से यार। लेकिन आज एंजॉय बहुत किया हम लोगों ने। हम लोग मॉर्निंग में जल्दी जाते, ये सोए रह गए ये मैं? ये सोया रह गया आज तो उठे थे तो कम से कम मुझे भी तो कॉल करना चाहिए था ना। वही तो है, हम लोग अच्छा खासा मॉर्निंग पे जाते, अभी दिन में इतना ज्यादा धूप हो रहा था। अभी एंजॉय तो अभी करा ना, इतने अच्छे विजुअल नहीं मिलते सुबह सुबह। तो धूप से तो वो मिलता ना, अरे मिल जाता, सब मिलता, क्यों नहीं मिलता। अरे हो गया ना, आया हो गया ना। और इसने फोन नहीं उठाया था, सबसे बड़ी गलती इसकी है। मैंने तुझे को 6 बजे उठ के मैंने मैसेज कर दिया था। मैं सोया रह गया, मैं गलती अपनी मानता हूं, मैं सोया रह गया। मेरे को फोन किया था, मैं फोन उठा लेती, पता है क्या उसके बाद? उसके बाद जो सोए हैं वो इंसान है। फिर उसके बाद रोहित हो गया था। और खैर जो भी है, लेकिन जितना भी टाइम हम लोगों को मिला यहाँ, हमने उसमें फुल एंजॉय किया ना। सो अभी निकलते थोड़े। हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, बड़ी जल्दी बाजी में आए हैं, इसलिए अच्छे से वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों को ना लेट हो गया। 20 मिनट्स है। हाँ, 20 मिनट पहले पहुंच गए, गाड़ी वाले को भगा के लेते आए, बेचारे को हमने परेशान करा हमने सोचा था कि हमें लेट हो जाएगा, बट हम लोग पहुँच गए। शायद से ये वाली ट्रेन है हमारी। हाँ शायद ये की मैं ये सोच रही थी कि ना हम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचेंगे, मे बी शायद लेट ना हो जाए, मैं ये सोच रही थी। मैंने सोचा था आज हमारी नौमत आती है कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ हाँ वो तो पहुंच गए हम, मोबाइल पर लगे। हाँ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर रन अभी हम भागते भागते आए हैं। हम उल्टी दिशा में चले गए थे और अभी सीधी दिशा में आए हैं। 3 मिनट बचे थे और फाइनली हम ट्रेन के अंदर हैं। चलो दिख रही हो तुम, बहुत अच्छी दिख रही हो, बंदर जैसी दिख रही है मेरे हालत खराब। तुम बंदर नहीं दिख सकती यार, बंदरिया दिख सकती। सेंस है इस कोई बात का, मतलब इस बात का कोई सेंस है? मेरे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है जो मेरी बेइज्जती करेगा। होता है इट हैपेंस, बट मजा आया यहाँ पहुँचते पहुँचते, बहुत ही ज्यादा मजा आया है। और हेल्प किसने करी? आपने, शुक्रिया रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गर्म हो गया है। तो फाइनली बाय बाय मुंबई, 2 दिन के लिए आए थे और बहुत ज्यादा मस्ती करी, अब वापस अपने वतन की ओर। यस, हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया और मुंबई को हम लोग यहाँ से कर रहे हैं आज बाय बाय। अब पता नहीं कब मौका मिलेगा दोबारा आने का, होप सो हम लोग जल्दी आए। बाय दोस्तों, हाय रामा, हमें क्या ही बोले, ठंडा ठंडा पानी पीकर आनंद आया है अभी अभी। हो गया, बाय बाय बाय। अभी हमें यहाँ से कितना सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, देखो बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हम थोड़ा फॉरेस्ट एरिया देख रहे हैं सफर करते करते। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7 और सवेरे से इतनी थकान हो गई ना, आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इतने दिनों की जो थकान है ना, इतने दिनों की जो थकान है ना वो पूरी ही नहीं हुई है। खैर ये थकान तो अब जब हम अपने अपने घर पहुंचेंगे तभी जाकर पूरी होने वाली है। फिलहाल आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी।